So class 4th, today we start our chapter number 5, which is pronoun. तो पहले हम definition देख लेते हैं. A pronoun is a word that is used in place of noun or another pronoun. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम sentence में किसी का use करते हैं, noun मतलब किसी person के बारे में या किसी की चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो बार बार हम उसका नाम नहीं लेते, ठीक? हम फिर उसको, अगर लड़के के बारे में बात करते हैं तो ही से डिनोट करते हैं, अगर लड़की के बारे में बात करते हैं तो शी से डिनोट करते हैं, और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल की बात करते हैं तो इट से डिनोट करते हैं, और जब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तब वी से या दे से डिनोट करते हैं. तो ये हमारा होता है प्रोनाउन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एडम इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. किसकी बात हो रही है? एडम की बात हो रही है. एडम क्या है? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है. अब यहाँ पर फिर से हम यूज़ करते हैं, अगर एडम इज इन क्लास 4th, तो हमें एक बार में पता ही चल गया कि हम एडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बार बार क्यों एडम की का नाम लिखें? तो एडम की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ही. तो ये नाउन है. नाउन की जगह जब हम दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ही, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक. एडम इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज इन क्लास 4th. तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? एडम की बात कर रहे हैं. अभी हम इसके आगे कुछ और भी कहते हैं, ही इज अ गुड बॉय, या ही इज अ नाइस बॉय, या ही ऑलवेज कम ऑन टाइम ऑन स्कूल. जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे इसके आगे, तो हम ही से ही डिनोट करके बात करेंगे. तो जो वर्ड्स हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. सेम ऐसे ही हमारा सेकेंड सेंटेंस है, टीना इज एडम सिस्टर. टीना कौन है? एडम की बहन है. फिर किसकी बात हो रही है? टीना की बात हो रही है. तो टीना के लिए क्या एक और वर्ड यूज हुआ? शी. शी इज इन क्लास 2nd, ठीक. तो हमने टीना की जगह पे क्या यूज किया सेकेंड बार में? शी. ऐसे ही जब हम किसी लड़की की फीमेल की और भी किसी बात करेंगे, तो उसके बारे में जब दोबारा, जैसे माई मदर नेम इज, जो भी आपकी मदर का नाम है, शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है. अब हमने फिर उन्हीं की बात करी ना, इसीलिए उनको कहा ना कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हम बार बार माई मदर नहीं करेंगे. अगर हम एक बार सेंटेंस में माई मदर का यूज कर चुके हैं, उसके बाद जब हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम शी का यूज करेंगे, ठीक. तो ये आपके डेफिनेशन हो गई प्रोनाउन की. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के टाइप्स बहुत सारे हैं और आपके बुक में भी कई दिए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है. पर्सनल प्रोनाउन मतलब, जैसे अभी तक हम नाउन में पढ़ते थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इस तरीके से, ऐसे ही पर्सनल प्रोनाउन जब हम स्पेसिफिक, मतलब किसी स्पेसिफाइड पर्सन या थिंग की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक. पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता फर्स्ट पर्सन, एक होता सेकेंड पर्सन, और एक होता थर्ड पर्सन. अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट पर्सन जब हम अपने बारे में, मतलब हम खुद से अपने बारे में बात करते हैं, या हमारे साथ एक आध लोग और हैं, या कई लोग हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, तो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. जैसे आई, आई के साथ हम का ऑब्जेक्ट हमेशा ई हो, सॉरी मी होगा. आई हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में. और तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी. जब उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट है अस. वी जहाँ होगा, उसके जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो हम अस का भी यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्ट में मी और अस यूज होता है. लेकिन ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक. आई, मी, वी, अस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. तो ये हमें, आई हमारा सब्जेक्ट है, मैं, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ. फिर प्लीज हेल्प मी, जैसे अभी हमने आपको बताया मी हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मी यहाँ पर आखिरी में आए. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो बाद में आते हैं. तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो. वी आर बिजी, फिर वी की बात हुई, तो वी हम बिजी हैं, कई लोग हैं, तो वी का यूज हो रहा है, वी आर बिजी. अगर हम सिर्फ अपनी बात करते तो लिखते आई एम बिजी, ठीक. सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है. जब हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरे लिए आई, आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए यू, तो मेरे लिए सेकेंड पर्सन कौन हुआ? आप हुए. तो हम हमेशा आपके लिए क्या यूज करेंगे? यू. जैसे
यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू गो देयर, तुम वहाँ चले जाओ, तुम आ रहे हो, ठीक, तुम जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो वो क्या होता है, यू होता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। विल यू कम टू नाइट, क्या तुम आज रात आओगे। तो हमेशा जब हम किसी दूसरे पर्सन की बात करते हैं, मतलब अपने सामने वाले से बात करते हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए सेकेंड पर्सन होता है, और वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन, यू। फिर थर्ड पर्सन हमारा है ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर। मतलब जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम और आप है, फिर आपकी सिस्टर के बारे में या आपके ब्रदर के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन हम हुए, थर्ड सेकंड पर्सन आप हुए, और थर्ड पर्सन कौन हुआ, जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे। जैसे ही इज योर ब्रदर, लड़का है, तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं, ठीक। ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है। शी इज गोइंग, वो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, शी का मतलब कोई लड़की है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। दे आर कमिंग, मतलब दे से है, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो ये आपका कॉपी वर्क है आज, इतना यहाँ पर, और ये हमें कॉपी में करना है। इसके बाद हम बुक के एक्सरसाइज पे आते हैं। फिर ये हमारी एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, एक तरफ हमें नाउन दिया है और दूसरी तरफ प्रोनाउन दिया है, तो हमको इससे मैच करना है जो इसके लिए सही है। जैसे सैम एंड आई, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए क्या बात हो रही है, वी। आई का मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है मतलब मैं और सैम, तो वी। जेन कोई लड़की है, तो लड़की के लिए शी। मॉम एंड डैड, मम्मी पापा की बात हो रही है, वो, तो उनके लिए दे। बॉब कोई लड़का है, तो उसके लिए ही। द स्मॉल फ्रॉग, फ्रॉग है, एनिमल है, अभी हमने एनिमल के लिए आपको बताया था कि क्या यूज करेंगे, इट, ठीक। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर बी पे आएंगे। इसमें हमको क्या फिल करना है, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन हमको फिल करने है। जैसे माई नेम इज डेलिया, कोई लड़की है वो बता रही है कि मेरा नाम क्या है, डेलिया, और वो क्या है, आई एम इंडियन एंड दिस इज माई फैमिली, और वो क्या है, इंडियन है, वो अपने बारे में बता रही है। जैसे आप लोग बताते हैं कि माई नेम इज कुछ भी, जो आपका नाम है, आई एम अ गर्ल या आई एम अ बॉय, तो उसी तरीके से वो अपने आप को बता रही कि वो इंडियन है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आई, ठीक। माई मम्स नेम इज मिसिस एलिजाबेथ, मेरी मदर का नाम क्या है, एलिजाबेथ। किसकी बात हो रही है, मम की, यानी कि मदर की बात हो रही है, तब मदर क्या हुई, थर्ड पर्सन हुई, क्योंकि आप रीडर हो, आप रीड कर रहे हो सेंटेंस, और वो स्पीकर है, मतलब जो ये सेंटेंस बता रहा है वो स्पीकर है, तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ, और आप रीड कर रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुआ, और यहाँ किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, यानी कि मदर की बात हो रही है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन है, मदर है, मदर मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, शी इज फ्रॉम दिल्ली। सेम ऐसे मिस्टर डैनियल इज माई डैड, मिस्टर डैनियल क्या है, मेरे डैड है। फिर आप अभी लिसनर हो, आप रीड कर रहे हो, और जो सेंटेंस जिसने जो बोल रहा है वो स्पीकर है, तो वो फर्स्ट पर्सन है, आप लिसनर हो तो आप सेकंड पर्सन हो, और यहाँ डैड की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और मेल है, तो क्या यूज होगा, ही। इसी तरीके से आपको पूरे सेंटेंसेस एक्सरसाइज बी के 10 तक के करने हैं। बस इसके अलावा आज कोई काम और नहीं करना है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ना है, प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, पर्सनल प्रोनाउन आपको समझना है, और उनकी एक्सरसाइजेस करनी है।